हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। और ये मेरे पोर्टफोलियो में था एक टाइम और इसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, तो ये मेरे प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी है वीडियो। और आपको ये शेयर अभी फिलहाल कैसा है ये चीज़ें भी बताना है मुझे आपको, ठीक है। तो जो भी नई इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं या जिसके पास ये शेयर होगा तो लोग ये वीडियो देख सकते हैं और इसमें जो भी अपडेट्स है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ और मेरी एंट्री कब थी, एग्जिट कब था, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये मेरे रिकॉर्ड के लिए वीडियो है और आपके सीखने के लिए। ऐसे बहुत सारे शेयर्स में से मैंने प्रॉफिट लिया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ये चैनल पर सीख सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ये चीज़ें मैं पहले हमेशा से बताते आया हूँ कि हर एक शेयर जो भी कंपनी के बारे में बात करूँ वो शेयर के बारे में उसकी कंपनी डिटेल, बिजनेस डिटेल में बताता हूँ, बाद में शेयर की डिटेल बताता हूँ। तो उस ये भी शेयर का हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी का बिजनेस क्या है, यहाँ पर ये बिजनेस इसका पेपर्स का है, इनके प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा है, देखो ये कंपनी 1993 से कंपनी है और ये बिजनेस कौन सा करती है, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी फिनिश पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टाइप के पेपर्स आते हैं और यहाँ पर वो पेपर्स आप नीचे देख सकते हो, तो ये सारे पेपर्स ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पर ये वेस्ट रिफाइंड भी करती है, अगर ये पेड़ पौधे तोड़े जाते हैं, प्लांट, अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर पेपर बनाना है तो पेड़ तोड़े जाते हैं, लेकिन ये पेड़ प्लांटेशन भी करती है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने मिलेगी, ये सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो वी प्लांट ट्रीज बताया है, मेंटेन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू पॉल्यूशन नॉर्म्स, रिसाइकल वाटर एंड रिसाइड। तो ये चीज़ ध्यान रखना ही पड़ता है अगर हम किसी बिजनेस में, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तो ये इनका ये फैक्ट्री है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती है और ये इनका मेन बिजनेस है। तो ये ऐसा ये प्रोडक्ट, इनका जो पेपर का बिजनेस है, इससे ये कंपनी कितना कमा लेती है ये भी हम देखेंगे इसका शेयर का जब एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं इसका शेयर का फिलहाल प्राइस क्या है और ये कंपनी कमाती कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्राइस आप देख सकते हो मनी कंट्रोल पे, एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज 221 का अभी फिलहाल प्राइस है, 361 का एक टाइम पे हाई पे ये शेयर था, वहाँ से काफ़ी गिर चुका है, ठीक है। तो लगभग ये 221 पे फिलहाल अभी भी है और यहाँ पर कितना परसेंटेज गिर सकता है आप देख सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो 361 से ये कितना हो गया। फिलहाल ये आधा तो नहीं हुआ है, आधे के ऊपर ही है, ठीक है। अगर 400 का भाव होता और अभी प्राइस होता तो कम से कम 50%, तो ये 50% से भी कम गिरा है ओवरऑल मार्केट खराब होते हुए भी। और इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव में 8 पॉजिटिव चीज़ें, 6 वीकनेसेस है, यानी 8 स्ट्रेंथ 6 वीकनेस। तो 8 स्ट्रेंथ कौन से है, तो ये क्वार्टरली इसका ग्रोथ देखने मिल रहा है, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट्स। और वीकनेसेस में बता रहा है, नेगेटिव ब्रेकडाउन बता रहा है फर्स्ट सपोर्ट का। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो स्टॉक विद द लो पी बता रहा है, पी इसका काफ़ी लो है, सस्ता है, ये एक चीज़ है। यहाँ पर देख सकते हो 6 रुपये का, तो पी जितना सस्ता हो उतना अपॉर्चुनिटी होती है उस शेयर में, ठीक है। और यहाँ पर कंपनीज विद द कंपनीज वेयर प्रमोटर हैव इंक्रीज देयर प्ले स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोटर ने शेयर प्लेज रखा है ऐसा ये बता रहा है। तो ये एक चीज़ तभी होती है जब कंपनी पर लोन होता है, तो ये चीज़ें पॉसिबल होती है। और ये एक चीज़ डर की रहती है, थ्रेट मतलब डर है कि प्लेज रखा है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी शेयर्स प्लेज रखती है। और यहाँ पर इसका ओवरव्यू देखेंगे तो देखो 377 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है और ये 67% अभी भी लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं, ये एक चीज़ अच्छी बात होती है, लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं, यानी ये शेयर आगे जाके बढ़ सकता है। 67% तो डिलीवरी बेस पे उठा रहे, मतलब ये आगे शायद बढ़ेगा, इस वजह से लोग खरीद रहे अभी भी। और फेस वैल्यू इसका 10 का है और पीबी इसका 0.71, एक या एक से ज़्यादा हो तो अच्छा होता है पीबी। और यहाँ पर ईपीएस भी 35 का आ रहा है, पॉजिटिव है। और एडवांस चार्ट की बात करेंगे, एक साल के हिसाब से देख लो, एक साल में चार्ट किस तरीके के नज़र आ रहे हैं। तो बीच में एक बार डिविडेंड दे चुका है, ये 1 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने 2021 में, ठीक है, सितंबर 2021 में 1 रुपये का डिविडेंड भी दे चुका है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 228 का जो लो था, इसने पहले एक बार बनाया था, वो जून को ही बनाया था, और अभी भी आके वही प्राइस पे आपको ये नजर आएगा। तो लगभग जो एक साल पहले जो प्राइस था, अभी फिर जाके ही वही प्राइस पे आ चुका है। और मैंने कब लिया था ये भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो शेयर है और मैंने इसको 302 के भाव पे बेच दिया था, और मैंने 30% इसमें प्रॉफिट लिया था। लगभग 45 दिन लगाए थे ये प्रॉफिट लेने के लिए, यानी मैंने 1.5 महीना इसको होल्ड किया, और उसमें एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज में मैंने लगभग 30% का प्रॉफिट ले लिया। तो मैं ओनली मिनिमम प्रॉफिट पहले ले लेता था, 20% से ज़्यादा ही प्रॉफिट लेना मैं पसंद करता हूँ। और शॉर्ट टर्म में जितने शॉर्ट टर्म के शेयर थे, वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये शेयर मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लिया था, और इसमें मुझे प्रॉफिट दिखा, मिनिमम प्रॉफिट दिखता है तो मैं ले लेता हूँ। तो ये जस्ट मैंने 26 जुलाई से 30 जुलाई में जितने भी शेयर, ये सारे शेयर्स मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया था। तो ये सारे पे वीडियो है। अभी एनआर अग्रवाल ये लास्ट शेयर है जो मैं 26 से 30 जुलाई के अंदर मैंने इसमें प्रॉफिट लिया है। बाकी भी बहुत सारे जो भी शेयर्स मैंने शॉर्ट टर्म में लिए, उसके बारे में वीडियो डाल चुका हूँ मैं। और मोस्ट ऑफ क्या होता है कि, और ये 1 अगस्त को डाला है, 1 अगस्त 2021 को, तो पहले ओनली मैं स्क्रीनशॉट डाला करता था, ताकि क्योंकि चैनल नया था और ये चीज़ें मैं जस्ट अपने रिकॉर्ड के लिए रखना पसंद करता था, कि चलो रिकॉर्ड के लिए मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। और साथ साथ में मैं लोगों को अभी सिखाने भी लग गया कि क्या चीज़ में किस तरीके से वो शेयर को हैंडल किया, किस तरीके से प्रॉफिट लिया और क्या है वो सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें बताने लगा हूँ। तो ठीक है, तो ये सारी जो भी है यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मैंने सभी को दे चुका हूँ, और जो भी शेयर्स मैंने लिए थे। और अभी एनआर अग्रवाल के बारे में बात करें, तो एनआर अग्रवाल में भी जो भी डिटेल्स है सभी मैं देने वाला हूँ। और मेन चीज़ें क्या है कि ऐसे शेयर्स लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होते, और लोगों के पास होते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने नाम भी नहीं सुना होता है। तो फिलहाल ऐसे शेयर्स मैं होल्ड करता भी हूँ और उसमें प्रॉफिट लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते, लेकिन और वो पता करना भी बहुत लोग चाहते नहीं कि अच्छे शेयर्स भी पता चले। जो भी है, जो न्यूज़ में है, जो यूट्यूब पे बहुत चैनल बता रहे, वही वही शेयर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी शेयर में इन्वेस्ट करके सभी लोग एक साथ लॉस करते हैं, एक साथ प्रॉफिट भी सभी लोग करते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो लेकिन मेरे पास अलग अलग टाइप के अलग अलग शेयर हुआ करते हैं, और अभी भी अलग अलग है। मोस्ट ऑफ लोगों ने नाम भी नहीं सुने रहेंगे, ऐसे ऐसे कंपनीज में खुद भी रिसर्च करके होल्ड करता हूँ, फिर उसमें प्रॉफिट लेता हूँ। और फिलहाल ओवरऑल मार्केट को अभी गिरा होने की वजह से मेजोरिटी स्टॉक अभी थोड़े बहुत डाउन में है, लेकिन उसमें से भी प्रॉफिट होते हुए सभी सभी को आपको मैं दिखाऊंगा, और उसमें से प्रॉफिट निकालने के बाद उस पर भी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये मेरे रिकॉर्ड का वीडियो है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको लगभग, अगर मैंने जुलाई के एंड में बेचा है, तो मैंने उसको 1-1.5 महीने पहले लिया था, और 302 के भाव पे मैंने इसको बेच दिया। तो 302 के भाव पे मतलब यहाँ पे जुलाई का मैंने बता देता हूँ, 302 का भाव जुलाई 2021 में मैंने इसको बेचा था। 302 का भाव यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 302 का भाव यहाँ पर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाई 302 दिख रहा है 29 जुलाई को, ठीक है, और यहाँ पर 331 का हाई दिख रहा है यहाँ पर 30 जुलाई को। तो यहाँ पर मैंने 302 के आसपास के भाव पे मैंने बेच दिया, फिर उसके बाद मैंने 1 अगस्त को उसका वीडियो डाला, उसके बाद भी थोड़ा गिरावट आई। देखो उसके बाद करंट तुरंत नहीं बढ़ा, उसके बाद गिरा, और गिरकर इसका भाव बन गया था लगभग 283 हो गया था, फिर ये बढ़ा, ठीक है। तो अप एंड डाउन शेयर में लगा रहता है, देखो फिर 361 हुआ, फिर से नीचे आया, फिर बढ़ा, तो ये अप एंड डाउन होते रहता है। अगर मैं आज भी रखा रहता तो आज मैं यहाँ पर लॉस में ही दिखता, तो मैं सही टाइम पे निकल गया और मुझे प्रॉफिट ज़रूर देखने मिला, और वही फंड में कहीं और शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस की वजह से मिली है, और ये ऐसे ही शेयर्स में पैसा लगा के और डाइवर्सिफाइड करके, और शॉर्ट टर्म किसी में या लॉन्ग टर्म किसी में करके, तो इसी तरीके से पोर्टफोलियो अच्छा बना रहा हूँ और वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। और शेयर मार्केट से कोई भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है सही से, अगर इन्वेस्टमेंट करे तो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एनआर अग्रवाल का स्टैंड अलोन जो मार्च का रिजल्ट से अच्छा आया हुआ है, नेट सेल्स इसका अच्छा है, 30% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, यानी 2021 का जो रिजल्ट था और मार्च 2022 का रिजल्ट है, इसमें 30% की बढ़ोतरी हुई है, यानी बढ़ा है 30% से सेल्स, ये एक चीज़ अच्छी हुई है। और यहाँ पर
इसके फाइनेंशियल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो फाइनेंशियल देखो, रिवेन्यू कंपनी का बढ़ते हुए ही नजर आ रहा है, यही है वो रिवेन्यू 30% से बढ़ा हुआ। देखो 1100 करोड़ का था, 1150, 1600 करोड़ हो गया, पहले 1200, फिर 1300, 1400, फिर 1100 गिर गया था 2021 में। फिर यहाँ पर पेपर का बिजनेस अच्छा कर रही है कंपनी, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का 3 साल तक तो बढ़ा अच्छा खासा, वहाँ से फिर 2021 में गिरा इसका प्रॉफिट, अभी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया 2022 में। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिटेबल कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए हर किसी को। और यहाँ पर एक प्लेज की बात कही थी, देखो यहाँ पर 100% प्लेज यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी प्रमोटर ने शेयर्स को प्लेज रखा है। देखो कंपनी के पास ऑलरेडी 73 प्रमोटर के पास 73% का शेयर होल्डिंग है, ठीक है, 73 अच्छा खासा होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है। फिर भी उसमें से भी प्रमोटर ने शेयर्स 100% होल्डिंग कर दिया है, प्लेज रख दिया है। तो प्लेज रखना यानी गिरवी रखे है, तो गिरवी रखने का एक तो कर्जा होता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उसी वजह से गिरवी रखा है। और इसी वजह से वो थ्रेट में बताया जा रहा है, वो डर में बताया जा रहा है। और यहाँ पर पब्लिक के पास 25% है, तो पब्लिक मेजोरिटी लोगों के पास ये शेयर नहीं होंगे, गिने चुने 25% लोगों के पास ये शेयर है। और यहाँ पर 64% तो FIIs के पास है, यानी 0.64 यानी आधा टक्के से थोड़ा सा ज़्यादा फॉरेन के लोगों के पास भी है, तो फॉरेनर का भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बट है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। तो कम्प्लीटली यहाँ पर जो भी डेटा है मैंने आपको दिखा दिया है, ये कंपनी कैसा है, ये शेयर कैसा है, और इसने मुझे 30% प्रॉफिट दे चुका है लगभग 1.5 महीना होल्ड करने के बाद। और फिलहाल जो भी शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में थे उसके रिकॉर्ड के लिए मैं ये सारे रिकॉर्ड मेरे चैनल पे रखना चाहूँगा और लाइफ टाइम के लिए रखना चाहूँगा कि ये सारे शेयर्स ने मुझे पहले प्रॉफिट दे चुका है, ये मेरे एक्सपीरियंस के लिए है। और ये सारे एक्सपीरियंस जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और मैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले टेलीग्राम पे भी ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। पहले चैनल नया होने की वजह से ज़्यादा पहले के शेयर जो भी इन्वेस्ट किए थे, प्रॉफिट लिए थे, वो तो नहीं बताया, लेकिन ये अभी जो भी मैं लेता हूँ वो टेलीग्राम पे ज़रूर बताता हूँ। और प्रॉफिट लेने के बाद भी सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है। एवरीडे आपको कॉल्स नहीं मिलेंगे, रोज के रोज बाय करना है, सेल करना है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता। ये जो करते हैं उनके पास एवरीडे अलग अलग टाइप के स्टॉक होते हैं, इंट्राडे वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं करता। इंट्राडे वगैरह करके मैं बंद कर चुका हूँ, और उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होता, ये चीज़ मैंने देखी है। इस वजह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जितने बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यही चीज़ अपनाई है, और इसी वजह से मैं भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के ही रूल्स फॉलो करता हूँ, और वही चीज़ें मैं फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर कमा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये चीज़ें देखने भी मिलेगी, जो जो शेयर मैं बताता हूँ, जो मेरे पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, मेरे चैनल पे डाल चुका हूँ, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो, और उसमें ज़रूर आपको आगे प्रॉफिट में ही सारे शेयर्स निकलते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो देखो करो जो भी मेरे चैनल पे है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, मेन तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे मैं कमाऊंगा तो ज़रूर आप भी कमा लोगे, अगर आप सीखोगे तो। सीख के कमाना है, कॉपी करके या जो बोल रहा है किसी के बातों में आके ये चीज़ें नहीं करनी है, जस्ट आपको सीखना है, भरोसा हो तो ही किसी भी ट्रेड को लेना है। और किसी के भी बोलने पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके एकदम किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने ये मार्केट गिरने से पहले बहुत लोगों ने तो मल्टीबैगर शेयर करके बहुत सारे शेयर्स बताए थे, आज वो आधे से भी ज़्यादा गिर चुके हैं, और लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बहुत पैसा लगाया और वो आज वो बर्बाद भी है, ठीक है। तो इसी टाइप के मैं कभी चीज़ें नहीं बताता कि मल्टीबैगर है, ये है, वो है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो है रियल है, 20-30% के भाव के हिसाब से मैं बताता हूँ, ज़्यादा लालच देता नहीं ये चैनल पे, लालच आपको देखने मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।